बीच मैच में विराट कोहली कुछ शिकायत करते हुए नजर आए। दरअसल बॉलर के बॉलिंग एक्शन को लेकर वहां पर विराट कोहली ने कुछ आपत्ति जताई, लेकिन अंपायर से उन्होंने इस बात की शिकायत नहीं की। क्या है पूरा मामला, इसको लेकर के आईसीसी के नियम क्या कहते हैं, सारी चीजें आपको डिटेल में इस वीडियो में बताई जाएंगी। तो दरअसल बात तब शुरू हुई जब विराट कोहली वहां पर बल्लेबाजी करने आए, तब 90वें ओवर में क्रेग ब्रैथवेट वहां पर बॉलिंग करने के लिए पहुंचे और उनके एक्शन पर विराट कोहली ने सवाल खड़े किए। हालांकि विराट कोहली ने इसको लेकर के यशस्वी जायसवाल से ही बात की थी स्टंप माइक में। वो ये बात कहते हुए सुनाई दिए थे कि ये तो भट्टा फेंक रहा है, यानी कि जब बॉलर बॉलिंग करता है तब उसका हाथ सीधा होना चाहिए, मुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। और वहां पर उनका जो हाथ था कुछ मुड़ा हुआ विराट कोहली को दिखाई दिया, जिसको लेकर के विराट कोहली ने यशस्वी जायसवाल से इस बारे में बातचीत की। हालांकि अगर वो अंपायर से इसकी शिकायत करते तो इसको लेकर के कुछ एक्शन जरूर लिया जा सकता था, लेकिन वहां पर विराट कोहली ने ऐसा नहीं किया। अब चलिए आपको बताते हैं, क्रेग ब्रैथवेट के साथ पहली बार ऐसा नहीं हुआ जब उनके एक्शन को लेकर के सवाल किए गए हैं। हालांकि इसके पहले जब 2019 में टीम इंडिया ने वेस्ट इंडीज का दौरा किया था तब भी उनका एक्शन सवालों के घेरे में आया था, और उसके पहले साल 2017 में भी उनके एक्शन पर काफी सारे सवाल उठे थे। हालांकि जब आईसीसी ने इस पर टेस्ट किया तो वो उस टेस्ट में पूरी तरीके से पास हो गए थे, किसी भी तरीके का इलीगल एक्शन करार उसे नहीं दिया गया था। आईसीसी के नियमों की बात करते चले तो जब कोई बॉलर बॉलिंग कराता है तो उसका जो बॉलिंग आर्म है वो पूरी तरीके से सीधा रहना चाहिए, वो मुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। हालांकि 15 डिग्री तक आप उसको मोड़ सकते हो, लेकिन अगर उससे ज्यादा हाथ मुड़ा हुआ होता है तो फिर उस बॉल को इलीगल डिलीवरी करार दिया जा सकता है और उसके एक्शन पर एक्शन भी लिया जा सकता है। तो अभी तो विराट कोहली ने इसको लेकर के कोई एक्शन नहीं लिया है, अंपायर से शिकायत नहीं की है, लेकिन अगर विराट कोहली इसको लेकर के तीसरे दिन अंपायर से शिकायत कर देते हैं तो फिर क्रेग ब्रैथवेट के एक्शन पर कोई ना कोई एक्शन जरूर लिया जा सकता है। लेकिन देखना होगा कि अब क्या होता है, तीसरे दिन विराट कोहली ऐसी कोई समस्या फेस करते हैं, अगर वो ऐसा करते हैं तो हो सकता है यहां पर वो अंपायर से शिकायत करें और फिर उसको लेकर के अंपायर्स कोई एक्शन जरूर ले। मगर फिलहाल वहां पर क्रीज पर मौजूद हैं यशस्वी जायसवाल और विराट कोहली। विराट कोहली हालांकि थोड़ी धीमी बल्लेबाजी करते हुए जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन काफी ज्यादा समय क्रीज पर बिता चुके हैं और उम्मीद है कि विराट कोहली यहां से एक बड़ी पारी खेलते हुए जरूर नजर आएंगे। वहीं यशस्वी जायसवाल की बात करें तो करीब 150 रन पूरा करने वाले हैं यशस्वी जायसवाल। देखना होगा किस तरीके से उनकी पारी आगे बढ़ती है, लेकिन फिलहाल क्रेग ब्रैथवेट का जो बॉलिंग एक्शन है एक बार फिर से वो सवालों के घेरे में जरूर आ गया है। इसको लेकर के आपकी जो भी राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत, जय हिंद जय भारत।